चैन बात में तमाम दोस्तों का स्वागत है। इस समाचार के साथ मैं उपस्थित हूँ जूली रानी। खबर हजारीबाग से है, जहां उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हिंदी दिवस। वही इस समारोह में हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। आजादी मिलने के 2 वर्ष बाद संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा मिलने के उपलक्ष्य में हर वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी के मद्देनजर हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रसार हेतु 14 सितंबर को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में वार्षिक समारोह हिंदी दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत प्रमंडलीय आयुक्त चंद्रकिशोर उराव, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर शिव दयाल सिंह, आयुक्त के सचिव रवि राज शर्मा आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर शिव दयाल सिंह ने अपने अनुभव का साझा में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो रोटी खाई, जो चावल खाया, इस हिंदी विभाग से आया, और जो रोटी देने वाले बीच में अवस्थित हैं प्रोफेसर शिव दयाल सिंह, पिताजी एक बात सुनाया करते थे, हम दो भाई किवान भट्ट जब मरणासन्न हुए तो दो बड़े बेटे को बुलाया और पूछा, उनका काफी अधूरा रह गया था, तो बड़े बेटे से पूछा कि बेटे आगे में क्या दिखलाई पड़ रहा है, तो बड़े बेटे ने बोला कि निर्जीव तरोरी स्थित अग्रे, पिताजी एक निर्जीव पौधा पेड़ सामने में। तो बाणभट्ट बड़ा दुखी हुए, इसमें कोई काव्य प्रतिभा नहीं, सीधा सीधा बोलता है। छोटे बेटे को बुलाया गया, छोटा भाई निश्चिंत था, अगर पिताजी गुजर भी गए तो बड़ा भाई तो है, बिट रहा आगे क्या है, तो उसने जवाब दिया, नीरस तरुरी विलसित अग्रे, हे पिताजी एक नीरस, सुखा नीरस तो एक ही चीज है, लेकिन नीरस कहने और मैं बड़ा फर्क होता है। बोला, पीठ थपथपाया कि बेटा ये बाणभट्ट का ये काव्य संदर्भ को आप पूरा कर पाए। और भाग संयोग की बात, हमारा भी वैसा ही हुआ, पढ़ना चाहिए था हिंदी तो पढ़ लिया मैं भौतिकी, पापी पेट का सवाल था, और भाई हमारे हिंदी में गए, हमारे पिताजी के नाम को बड़ाई को आगे बढ़ाए, मैं इस हिंदी में थोड़ा पीछे रह गया। अभी भाई पीछे बोल रहे थे कि साउथ इंडिया में बड़ा दिक्कत हो रहा है हिंदी को, सर एक इंजीनियरिंग, आप चाहे जापान हो या जर्मनी हो, ये हम लोग का एक विचार है कि इंजीनियरिंग को इंग्लिश में ही पढ़ा जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये पहला आदमी था, वो था डॉक्टर सीवी रमन, जिसने विरोध किया था कि इंजीनियरिंग ये मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो, अगर ये इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अगर हिंदी में होगा तो कणसार में रहने वाला बच्चा भी आसानी से हिंदी पढ़ लेगा और समझ लेगा। आज एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती, हीन भावना आ जाती कि सर ये इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम। मैं मेरे प्यारे बंधु, अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020 और 3 लैंग्वेज का कंसेप्ट आया। अंग्रेज भारत से तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत 1947 के बाद भी यहां बनी रही। मैकाले के समर्थक 1947 के भी बाद भारत में थे, अब उन्हीं की ये मंशा थी कि इंग्लिश यहां बना रहे। ये हमारा एक ऐसा सोच था कि अगर अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो हमारी समाज में पहचान नहीं होगी। सर एक सिर्फ हम एक उदाहरण देंगे कि कितना समृद्ध हमारी हिंदी